हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने प्लेटो के जीवन परिचय और उनकी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उनका जो पहला सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनका यह सिद्धांत उन्होंने अपनी जो प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें दिया था। और जो रिपब्लिक है उनका जो प्रमुख ग्रंथ, उसका केंद्रीय प्रश्न ही न्याय है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ये भी कहा है कि जो मेरी पुस्तक है रिपब्लिक, उसका दूसरा नाम ही न्याय से संबंधित उन्होंने रखा है, या कंसर्निंग ऑफ जस्टिस उन्होंने रिपब्लिक का दूसरा नाम रखा है। हालांकि प्लेटो ने जो जस्टिस है प्लेटो ने जो न्याय है उसकी जगह डिकायोजनी शब्द को काम में लिया है, जो कि सामाजिक नीति प्रणता से समानार्थी रखता है। यह शब्द भारतीय वेदों के अनुसार इसकी निकटता हम धर्म से ले सकते हैं। धर्म, जैसा कि आप सभी को पता है, धृ धातु से जिसका निर्माण हुआ है, अर्थात धारण करना। और धारण हम किस चीज़ का करते हैं? कर्तव्यों का, या जो भी ऐसी अच्छी चीज़ जो हमें सीखने में मदद करती है उस चीज़ को हम धारण करते हैं। तो यहाँ प्लेटो ने कर्तव्य परायणता से न्याय का समानार्थी अर्थ लिया है। और प्लेटो ने यह भी कहा है कि आदर्श राज की स्थापना में न्याय सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है, जिसके अनुसार यह सिद्धांत एक ऐसी औषधि है जो समाज में अशांति, अव्यवस्था, कर्तव्य विमुखता, बुद्धिहीनता, जो कि एक आदर्श समाज के निर्माण में असहायक हैं, उनको दूर हटाने का कार्य करता है, वो है न्याय। प्लेटो चाहते हैं कि हर व्यक्ति संतोषपूर्वक अपना अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे, और इसे ही उन्होंने सामाजिक न्याय भी कहा है। क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, यानी अपनी आत्मा में, उनकी आत्मा में जो गुण समाहित है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा बिना किसी दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप किए बिना, तो ये समझा जाए कि वो व्यक्ति न्यायी है और वह समाज भी न्यायी है। न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो कहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्त है, अर्थात योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति जो कार्य उसे सौंपे जाएं उसे वह पूरी ईमानदारी से करें बिना दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप किए बिना, तो ये समझा जाए कि वहाँ न्याय की स्थापना है। इसके बाद ये उन्होंने उसके सामान्य अर्थ बताए कि भाई न्याय क्या है। इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उसने अपने समकालीन तीन जो न्याय के सिद्धांत थे उनका खंडन करते हुए फिर अपने न्याय के सिद्धांत को स्थापित किया था। और वो न्याय के सिद्धांत जो कौन से थे, जैसे पहला है परंपरावादी, दूसरा उग्रवादी और तीसरा है व्यवहारवादी। ये वो सिद्धांत है जो उस समय के जो शिक्षाविद हुआ करते जिन्हें कहा जाता है सोफिस्ट, उन सोफिस्टों ने ये अपने न्याय के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी जो भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में इन्होंने अपने जो वाक्य है वो एक संवाद शैली में रखे हैं, और उस संवाद में एक नायक की स्थापना की है, और वो नायक है उनके स्वयं गुरु सुकरात। तो उनके माध्यम से उन्होंने इन न्याय के सिद्धांतों का खंडन किया है और अपनी बात रखी है। जैसे हम जो पहला सिद्धांत लेते हैं परंपरावादी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं सेफेलस और पॉलीमार्कस, जो इसमें सेफेलस कहते हैं कि सत्य वचन बोलना और दूसरे के ऋणों को चुका देना ही न्याय है, और पॉलीमार्कस कहते हैं मित्र के साथ मित्रता का और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार करना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ये कहते हैं कि ये स्थितियाँ देश, काल, परिस्थितियाँ और वातावरण के अनुसार बदलती रहती हैं, कभी भी एक समान नहीं रहती हैं, तो ये संभव नहीं है कि जैसा ये कह रहे हैं वो न्याय है। दूसरा है उग्रवादी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं थ्रेसी मेकर्स, जो कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। और तीसरा जो व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं ग्लोकोन, जो कहते हैं कि न्याय दुर्बल का हित है, अर्थात न्याय भय का शिशु है। ये दोनों ही उग्रवादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत दोनों ही ये मानते हैं कि न्याय कृत्रिम है, परंपरागत है और समय अनुसार आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है, जबकि प्लेटो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न्याय व्यक्ति की आत्मा का सद्गुण है जो सबल और दुर्बल दोनों के हित में ही कार्य करता है। अतः न्याय निजी हित या स्वहित की के कार्य न करके सामान्य हित की प्रधानता उसमें समाहित होती है।
यानी न्याय सदा सामान्य हित की प्रधानता को लेकर कार्य करता है। अब प्रश्न उठता है कि न्याय का सही रूप क्या है, तो इसका बात उन्होंने अपनी रिपब्लिक में यह कहा कि न्याय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हमें करना चाहिए, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि मनुष्य की आत्मा में 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियों का वास होता है, जैसे ज्ञान, साहस, भूख या संयम। इन्हीं के आधार पर 3 वर्ग होते हैं, जो जिनमें ज्ञान की प्रधानता है अधिक वो शासन कार्य करेंगे, जिनमें साहस की प्रधानता है वो सैन्य कार्य करेंगे, और जिनमें भूख या तृष्णा या संयम की प्रधानता है वो उत्पादक का कार्य करेंगे। जब ये तीनों तत्व अपने अपने कार्य क्षेत्र में या अपनी सीमाओं में अपने अपने कार्यों का संपादित करते हैं जो, तो मानव में एकता की स्थापना होगी, और जब इस प्रकार के कार्य वो करेंगे तो समाज में भी एकता की स्थापना और समन्वयता की स्थापना होगी। जब ये तीनों तत्व किसी एक ही व्यक्ति की आत्मा में समाहित हों तो उससे एक चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है, जिसे हम कहेंगे न्याय। इन गुणों के आधार पर ही तीनों वर्ग जब अपना अपना कार्य बिना किसी दूसरों के मामले में हस्तक्षेप के किए बिना करते हैं तो संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना होती है, और इसी को ही प्लेटो ने सामाजिक न्याय भी कहा है। उन्होंने व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय को दो भिन्न भिन्न स्थितियां न मानकर एक ही स्थिति के दो स्तर बतलाए हैं। अतः न्याय वह बंधन है जो मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। इसीलिए वो कहते हैं कि अपने आदर्श राज्य में जो राज्य रूपी शरीर है उसमें न्याय एक आत्मा के रूप में वासित रहती है। तो प्लेटो ने ये कहा है कि जो न्याय है वो यह है जिसके अंतर्गत कार्य विशेषीकरण है और कर्तव्यपरायणता दोनों ही समाहित होती हैं। अतः प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है वही न्यायप्रिय होता है। तो प्लेटो ने ये कहा है कि मनुष्य की जो आत्मा है और उसकी आत्मा में जो गुण समाहित है उसके अनुसार व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे एक विशेषीकरण के साथ साथ, और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, तो ये समझा जाए कि वह व्यक्ति न्यायी है, और वह व्यक्ति न्यायी है तो वह समाज या राज्य भी न्यायनिष्ठ होता है। अब ये तो था प्लेटो का कि न्याय का सिद्धांत क्या है। यदि हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो पहली जो विशेषता है वो यह बनेगी कि प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु न होकर, यानी बाहर से आरोपित कोई वस्तु न होकर, मनुष्य की उसकी आंतरिक स्थिति है जो कि जिसका वास उसकी आत्मा में ही रहता है। दूसरा, न्याय अहस्तक्षेप के सिद्धांत से संयुक्त है और यही सामाजिक न्याय भी है। जैसे हमने पहले भी बताया कि जो जिस व्यक्ति की आत्मा में जो गुण अधिक रूप में विद्यमान है वो उसके अनुसार ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। अगला, जैसे आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक शासन द्वारा की गई है, तो प्लेटो ने बोला जिस व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों गुण समाहित रहेंगे तो उसके अंतर्गत चौथा गुण उत्पन्न होगा जिसे हम न्याय कहते हैं, और न्यायी व्यक्ति ही दार्शनिक राजा या शासक हो सकता है। क्योंकि शासक के लिए उन्होंने बताया कि वो पहले इन सब से जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, इन सब से निकल कर एक परिपक्व रूप में जो व्यक्ति निकल कर आता है वही दार्शनिक राजा बन सकता है। तो ऐसा राजा जो कभी गलती कर ही नहीं सकता, तो ऐसे राजा के द्वारा ही या ऐसे शासन के द्वारा ही न्याय की स्थापना की जा सकती है। प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है, अतः उसका न्याय भी नैतिक मान्यता है। और इन सारी बातों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उनका न्याय का सिद्धांत मानव जीवन की समग्रता को लेकर चलता है। ये तो हो गई उनकी विशेषताएं। अब यदि उनकी एक झलक हम उनकी आलोचनाओं पर देखें तो जैसे बारकर ने कहा है कि उनके न्याय का सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाला मात्र है जो केवल यह बताता है कि मनुष्यों को कर्तव्य करने चाहिए और किस प्रकार के कर्तव्य करने चाहिए। ये कानूनी रूप में बिल्कुल ही नहीं है जैसा कि आज के संदर्भ में हम देखते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में जब हम न्याय देखते हैं तो
तो आज के संदर्भ में न्याय अभिव्यक्त होता है केवल कानूनों के माध्यम से ही, तो इस प्रकार की बात वहाँ देखने को हमें नहीं मिलती है। दूसरा, उनके न्याय के सिद्धांत में केवल कर्तव्यों की बात की मात्रा अधिक है, केवल वो कर्तव्यों पे ही अपना सारा फोकस रखते हैं और अधिकारों पर बिल्कुल भी नहीं। जबकि आज के संदर्भ में जब कहीं भी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्याय की स्थापना की मांग हमेशा होती है। अंतिम जो प्रमुख इनके आलोचक हैं कार्ल जे पॉपर, जिन्होंने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो, हीगल, मार्क्स इन तीनों को ही खुले समाज का शत्रु माना है, और वो ये कहते हैं कि ये तीनों ही वो हैं जो कभी नहीं चाहते कि मानव स्वभाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो। ये मानते हैं कि मानव का स्वभाव एक निश्चित है और हमेशा इसी प्रकार से रहता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और ये चाहते हैं कि तीनों ही ये चाहते हैं कि मनुष्य हमेशा राज के अधीन रहे। लेकिन फिर भी उक्त आलोचनाओं के बाद भी हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आज के संदर्भ में भी कुछ सार्थकता लिए हुए है, कि वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य हेतु जो योग है उसको भी पद पुरस्कार उसी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उसे प्राप्त होने चाहिए। तो ये था प्लेटो के न्याय का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो न्याय है वो एक सद्गुण है, और वो सद्गुण एक आंतरिक स्थिति है जो मनुष्य की आत्मा में ही निर्वासित होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।